अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी के लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और यहाँ पर मैं कहती हूँ दरवाजा खोल दे, और जो जो सजेशंस आप हुसैन के लिए देते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको जो है हम लोग उस पर अमल कर सकें। और हुसैन के फीडर की बात जहाँ तक है, हुसैन दूध पीता नहीं है, बिल्कुल कम पीता है। कप में भी देने की कोशिश करते हैं, ग्लास में भी, फीडर से बस सोते हुए थोड़ी देर खेलता है और वापस कर देता है, दूध नहीं उसमें पीता ज्यादा। अब हम कोशिश करते हैं ग्लास में उसे चीजें देते हैं, बाकी कोशिश करेंगे वो भी ना दे। तो जी आज एक रिक्वेस्ट भी करनी थी, जो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कोमल की रिंग्स की डिमांड आई हुई थी, आज कोमल और अम्मी के रिंग्स भी दिखाते हैं आपको। आज का शान आ गए हैं जल्दी घर, नॉर्मली का शान जो है डिनर रेस्टोरेंट पे कर लेते हैं क्योंकि आना होता है 12-1 बजे रात को। तो जिस दिन हमने कोई सालन कम पकाया या खाना हम खा चुके हो या चावल पके हुए हो, शान उस दिन घर आ जाते हैं। तो हमने आज बनाए हुए थे चिकन और चने डाल के, जो हमारा कल वाला सालन था ना उसके हमने बनाए हुए थे आज राइस, और हम लोग खाना खा चुके हैं। लेकिन मटन वाला सालन भी पड़ा क्योंकि कल बहुत सारा खाना बच गया था। तो अभी हम लोग शामी भी फ्राई करेंगे, सीख कबाब करेंगे, कुछ सालन वगैरह गर्म करके कशान का लगाते हैं खाना। आज अम्मी ने अदरक लहसुन भी बना के रखा हुआ है, इसको भी हमने अभी ग्राइंड करना है। काफी सारे छोटे छोटे काम है और एक परेशानी भी मुझे आजकल बहुत हुई हुई है। तो चलें जी अभी पहले का शाम को खाना देते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। यहाँ जी हम लोगों ने कशान के लिए खाना लगा लिया, मैं रोटी बना रही हूँ, कोमल ने सारी चीज़ें सेट कर ली हैं। अब सीख कबाब फ्राई कर दिए हैं, शामी कबाब जो हमने रेसिपी बनाई थी आप देख लें, 8-9 दिन तो हो गए होने ना। हाँ जी। और हमारे कितने अच्छे हमने भी फ्राई किए, साथ मटन का सालन है हमने क्योंकि राइस का, और साथ आए हाय हाय ये बड़ी मजे की मैंने और कोमल ने चख ली है बर्फ, आलू बुखारे की चटनी। और यहाँ बन रही हैं रोटियाँ, अभी बस कशान खाना खाते हैं, उसके बाद जो है आपको कशान से भी अम्मी सब लोगों से हम मिलवाते हैं। अभी जी कशान ने खाना खा लिया है, और आपको पता है हमारी तरफ न्याज थे, हमारे नान बहुत बच गए थे, तो हमने बनाया बेसन वाले नान, और हमने इसका साइंस ये किया कि हमने बैक साइड से भी इन्हें फ्राई किया। इसकी हमने रेसिपी रिकॉर्ड की है, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको मिलेगी हिना के किचन पे। डिस्क्रिप्शन में हमारे कुकिंग चैनल का लिंक भी होता है और कम्युनिटी में वीडियो भी लगी हुई होती है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, कुकिंग चैनल को जल्दी जल्दी से जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें। और हाथों के लिए जो टिप्स टोट के मुझे बताए थे वो मैं चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ, और हाथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। चलें जी अभी हम खाते हैं नान वगैरह, और आज रेस्टोरेंट से एक जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको दिखाते हैं, और नान खा के आपसे मिलते हैं। कशान जी आज बनवा के लाए हैं अलसी की पिनिया रेस्टोरेंट से, ये आपको यहाँ देखे नज़र आ रही होंगी, करीब से दिखाती हूँ। इनके शेफ़ ने बनाई हैं जो इनके रेस्टोरेंट पे होते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी हुई है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत अच्छी बनी हुई है पिनिया। कशान बेसिकली ख़ुद भी शौक से खाते हैं अलसी की पिनिया, और अबू के लिए बनवा के लाए हैं, और अम्मी ने पीना है थोड़ा सा दूध इस अबूल का छिलका डाल के। तो यहाँ मैंने अम्मी के लिए दूध का कप रखा है, और इसमें मैं थोड़ा सा इसबगोल का छिलका डाल के ना तो अम्मी के लिए ये लेके जाऊंगी। और जी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आपका वेट कम हुआ है, आप क्या कर रही हैं? फ़िलहाल तो यहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, कुछ ना कुछ डेली बाइट से भी लेने के लिए जाना पड़ता है, और हालाँकि यहाँ बेकरी मीठा खाना पीना माशाल्लाह ठीक ठाक है, सब कुछ खाया जाता है, लेकिन यह है कि बस यहाँ पे फ़िलहाल काम शाम है, और 1-2 टोटके टिप्स अम्मी ने शुरू कराए हुए हैं, 1-2 ड्रिंक्स वगैरह और कुछ चीज़ें जिससे वेट ना कम हो रहा है। तो जैसे ही मेरा वेट थोड़ा सा और कम होता है फिर आपके साथ इंशाल्लाह सब चीज़ें मैं शेयर करूँगी। और पिनियाँ बहुत मज़े की हैं, अम्मी को दूध दे के आते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। ये माशाल्लाह सारे ना किचन की भी डीप क्लीनिंग की है, सारी चीज़ें दोबारा सेट की हैं, यहाँ पे सारे स्पाइसेस के डब्बे रखे हैं, सॉसेस रखी हैं, सब चीज़ें अरेंज करके रखी हैं। और ये मैंने हुसैन के लिए यहाँ रखे, वो कभी कभार शौक से खाते हैं। इसी तरह नीचे जितने ही सामने आपको दूध वाले डब्बे नज़र आ रहे हैं ना, इनमें हमने मैदा कॉर्नफ्लोर सब चीज़ें रख के ना ऊपर लेबलिंग कर दी है, और इसी तरह से ना ये सब चीज़ें नीचे पड़ी हुई हैं, और इस तरह से ना सारी कबर्ड ना आज ये भी अरेंज कर दी, आज काफ़ी माशाल्लाह किचन के काम कर दिए हैं। और ये है जी रू अफज़ा और टैंग वगैरह, माशाल्लाह आगे अब रमज़ान भी आने वाला है, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। अच्छा जी अभी ना हम लोग काम शाम करके ना तो चाय पीने लगे थे, तो ना कुछ मेकअप का ड्रॉर वगैरह सेट किया था, तो कुछ पैलेट्स निकली, मैंने अपने हाथों पे देखो कितनी चीज़ें लगाई हैं अभी मेरा सबके। एक तो ये खैर बॉडी शॉप की जो है ना ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा, जो हैंड क्रीम है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, अब सोच रही हूँ ये लगाना शुरू कर दूँ। अच्छा जी एक रिव्यू भी ले लें जी डॉक्टर शाइस्ता लोधी के ना, मैंने 2 टिंट ऑर्डर किए थे,
ये नैना को बड़ा ही शौक था मंगवाने का, ये उसके मंगवाए हैं, लेकिन इतने के 2 नंबर टिंट निकले हैं ना कि टिंट अंदर से काले हो गए हैं। यार कलर ही चेंज हो गया कितनी जल्दी कलर चेंज हुआ, अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ। और ये के आए थे ना, हाँ जी जाया ही हो गया। ये देखें इस टिंट का कलर चेक करें, ये जहरीले टिंट हो गए, ये रेड कलर, ये देखो जरा, ये देखो, ये देखो, हाँ ये देखो ना, पानी हो गया सारा, खून निकल आया, जैसे खून ही निकल आया, बहुत गंदे से टिंट हो गए। अच्छा जी, कल रिंग्स का मैसेज आया हुआ था, ये वाली दोनों रिंग्स कोमल ने पहनी हुई थी, ये रही वो, ठीक है जी, ये दोनों रिंग्स थी जो पहनी हुई थी, और जो हमने कल ली थी वो ये वाली रिंग्स हैं। हम लोगों ने ना ये ले लिए थे 2 पत्ते, तो उसमें से हम लोगों ने ना तीनों ने एक जैसी रिंग्स ना डिवाइड कर ली हैं। ये रिंग बहुत प्यारी है, यहाँ पे गोल्ड का कोई ट्रेंड नहीं, यहाँ सिल्वर ज़्यादा जो है ना ज्वेलरी चलती है और अच्छी भी लगती है। ये हम तीनों ने ही ली है एक एक अंगूठी। उसके बाद ये मैंने सोचा कुछ ना पैलेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। ये आई शेडो पैलेट अब बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी ना अम्मी की जो रिंग्स की कलेक्शन है ना, अम्मी को बहुत शौक है अंगूठियाँ पहनने का, वो कल आपको दिखाऊंगी मैं। और एक ये देखें, ये कितनी प्यारी है। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारे घर में खरीदी जाती हैं पर यूज़ नहीं होती। अम्मी बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, अपना भी और हमारा भी। अम्मी का कोशिश करेंगे किसी दिन कोई मेकअप ट्यूटोरियल जो है ना आपके साथ शेयर करें। ये कंटूर पैलेट है, सारी चीज़ें यहाँ से ली। ये कंटूर पैलेट है कंटूरिंग के लिए, जो हमें बिल्कुल नहीं करनी आती, सीरियसली हमें नहीं आती है। अभी आती है कंटूरिंग? नहीं, मैंने तो इसलिए पता भी नहीं किया, कंटूरिंग नहीं आती। ये हाइलाइटर पैलेट है, ये लगाना आता है? हाँ ये लगाना आता है, ब्लश और हाइलाइटर हमें लगाना आता है। ये जो हमने कल चैपस्टिक्स ली थी ना, और ये बहुत ही सस्ती है, ये 50 सेंट की मेरा ख्याल आई थी ये, लेकिन अच्छी है, कलर भी बड़ा अच्छा है इसका, कलर बहुत अच्छा। उसके बाद एक ये बड़ा अच्छा है, ये पैलेट बहुत प्यारी है, ये बहुत प्यारी है, मेरे पास पाकिस्तान भी है मेरा, इसका सर लॉक टूट गया था, ये खुदा के हैं, ये बहुत अच्छे हैं सारे। ये ब्लश पैलेट बहुत अच्छा है, ये देखो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद जी ये वाली बेक किट बहुत अच्छी है, ये मैंने मेकअप सारा निकाला है ये, क्योंकि अम्मी को चेक कराना है अभी। और ये मुझे लगता है हमने इकट्ठे ली थी ना, हमने, मेरा ख्याल है साहिवाल से ली, कहीं लोकल से ली थी, लोकल से है ना, $1 शॉप से आई थिंक ली है ये वाली। ये सफोरा का हाइलाइटर है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं और नैना तो बहुत अच्छा मेकअप ये लिपस्टिक्स का जो हैंग फैंग का सेट है ना, ये वहाँ से पाकिस्तान से मिलता है, ये बहुत ही अच्छी है, सारे रेड शेड। असल में ना हमारी घर में ना ज्यादा सबको डार्क शेड्स पसंद है, हम लोग लाइट शेड्स कम ही लगाते हैं। ये मैं सीसी क्रीम आपको दिखाने लगी थी, ये बहुत अच्छी है, ये भी इसका कलर वाइट्स है, लेकिन इसको ये भी सफोरा से ली थी, इस तरह के इसका ना एक टोन सा आता है। अभी बेचारे हाथ बड़े ख़राब हुए हैं, जब ठीक हो गए ना फिर आपको कोशिश करेंगे कि अगर अम्मी मेरा मेकअप करें तो आपको ना कोई मेकअप ट्यूटोरियल जो है ना। अच्छा जी, अभी सारी गर्ल्स जो है ना मेरे इर्द गिर्द बैठी हुई है, अभी मेकअप पे रिसर्च होगी, आधी चीज़ें हम एक दूसरे को लगाएंगे और उसके बाद जो है ना चीज़ें समेटेंगे, कुछ निकालनी थी चेक करने के लिए। तो अभी जी जफ़र की कुछ परेशानी है, अगर जफ़र की ना कुछ शिकायात मौसूल हुई हैं आज, और अभी सुस्ती सी भी हो गई है ज़रा, क्योंकि पीछे से कोई ना कोई उलामा आए तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी क्या शिकायतें हैं, क्या क्या बातें हैं, मुझे पता तो चली हैं अपनी फैमिली से, लेकिन यह है कि कल, अब आज जफ़र से बात ही नहीं दोबारा हुई, कल अब बात होगी तो पता चलेगा। ये जो इतनी टिकटॉक्स बन रही थी और ख़तरनाक एक्शंस और रोमांटिक और ये सब जो मामला हो रहे थे ना, तो वही हुआ जिसका डर था, और शिकायतें काफ़ी आने लग गई हैं। मैं आज ये सोच रही थी बातें 2-3 सुन के कि मुझे यही चाहिए था कि जफ़र को या साथ ही लेके आती, पीछे छोड़ के नहीं आती, इतनी स्पेस नहीं देनी चाहिए बंदों को। बहरहाल जो भी है, अभी कल ज़रा जफ़र से कंफर्म हो जाए कि पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी अकेले रहते हैं और यहाँ के पेपरों के या वीज़ों के या सब मामला इस तरह के हैं कि मैं, क्योंकि मेरा तो अब्बू के साथ हुआ है, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, बल्कि चले मैं क्लियर कर दूँ, मुझे अक्सर सब्सक्राइबर्स भी यहाँ मिलते हैं, वो भी पूछते हैं कि यहाँ तो बंदे आते हैं, आप कैसे पहले आ गई हैं। तो मैंने उन्हें यही अभी क्लियर कर दूँ कि मेरा जो वीज़ा है ना, मतलब हमारी जितनी पूरी फैमिली, वो सब अब्बू की फैमिली के साथ, मतलब समझें कि हम अब्बू की फैमिली हैं और अब्बू ने सबके केसेस करवाए हैं। हस्बैंड्स आए तो वो अपनी वाइफ को या सबको बुला लेते हैं, जैसे शान ने या नैना का या मेरा सिस्टम होगा, अदरवाइज हम तीनों जो बहन भाई हैं और अम्मी हैं, हम लोग अब्बू के साथ आए हैं, इसलिए हम पहले आए हुए हैं। तो बाकी यह है कि जी जफ़र को लाना साथ ही चाहिए था या खुद नहीं आना चाहिए था। बहरहाल अभी सुबह जफ़र से बात होगी, कोशिश करेंगे आपको सामने बात हो। तो अभी बस चाय शाय पी के हम सो जाएंगे,
तो आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह। और हमारे चैनल को भी जल्दी जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, कम्युनिटी हमारी बढ़े। तो आपसे मिलेंगे हम कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।